સુરત સાયબર ક્રાઇમ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ રિલાયન્સ નિપોન કંપનીની પોલિસી ઉપર આર્થિક લાભ આપવાના બહાને વીમા લોકપાલમાંથી બોલાવતા હોવાની ખોટી ઓળખ આપી સુરત ઇસમ પાસેથી વિવિધ ચાર્જ પેટે 28 લાખ વધુ પડાવી લઈ ઠગાઈ આચરનાર ટોળકી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાતા જ સાયબર ક્રાઇમની ટીમે તપાસ હાથ ધરી. આ ટોળકીના 2 આરોપીઓને અગાઉ સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે ઝડપી પાડ્યા હતા, જ્યારે તેઓને અન્ય સાથીદારો જેમાં યુપીના મનોજકુમાર વિશ્વકર્મા, દિલ્હીના સલાઉદ્દીન સિદ્દીકી મૂળ યુપીનો અને હાલ દિલ્હીમાં રહેતા રામપ્રસાદ ગૌતમ, અજયકુમાર જ્વાલાસિંહ રિજવાન અને મહિલા ખુશ્બુ રાધેશ્યામ તિવારીને ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે આરોપીઓના બેંક એકાઉન્ટમાંથી 4,63,000થી વધુ ફ્રીશ કરાવ્યા હતા. હાલ તો ઓનલાઈન ઠગાઈ આચરનારાઓથી સાવધાન રહેવા પોલીસે વારંવાર શહેરીજનોને કહી રહી છે કે જો કે તેમ છતાં આવા ઠગોની વાતોમાં આવી લોકો લાખો રૂપિયા ગુમાવી રહી છે. સુરત પોલીસ કે સાયબર સેલ કો એક કમ્પ્લેન્ટ મિલી થી ઓર ઉસ કમ્પ્લેન્ટ કે અનુસાર ફરિયાદી કો કહીં સે ફોન આયા ઓર ફોન કરને વાલા ને ઉસકો બતાયા કે આપકી જો रिलायंस निप्पॉन कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पे एक्स्ट्रा लाभ आपको दिलवा सकते हैं. और उन्होंने बताया कि हम बीमा कंपनी लोकपाल से बोल रहे हैं और बीमा लोकपाल के कर्मचारी होने का भ्रम पैदा करके गलत अपनी पहचान दे के इन्होंने इस फरियादी के पास से अलग अलग चार्जेस के नाम पे 28 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मंगाई उत्कर्ष बैंक के अकाउंट में. तात्कालिक ये पूरी जो क्रियाकलाप था आरोपियों का उसको स्टडी किया गया. उसके बाद एक महिला एएसआई हमारे साइबर सेल की, उनकी लीडरशिप में एक टीम को दिल्ली भेजा गया और वहाँ से इस गैंग में शामिल सभी लोगों को पकड़ने में हमें सफलता मिली है. 11 अक्टूबर के रोज 2 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिनमें से एक का नाम है संतोष कुमार, सन ऑफ रामराज बैजनाथ. यह शिव मंदिर के पास सलारपुर नोएडा का रहने वाला है. और दूसरा था श्यामवीर, सन ऑफ ओम प्रकाश भीखा सिंह पाल. ये भी हाल में भागरथी विहार शिव मंदिर के पास दिल्ली में रहता है और मूल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. उसके बाद इनके साथ गैंग में शामिल और लोगों के बारे में जब तपास की गई तो पता लगा कि 6 और आरोपी हैं. उनके नाम है, एक है मनोज कुमार सन ऑफ मिठूलाल, दूसरा सलाउद्दीन सन ऑफ अलाउद्दीन सिराजुद्दीन सिद्दीकी, तीसरा है रामप्रसाद सन ऑफ तेरासु बद्रीनाथ गौतम, चौथा है अजय कुमार सन ऑफ गोपीचंद ज्वाला सिंह, पांचवा मोहम्मद रिजवान सन ऑफ रईस मोहम्मद इलियास खान और छठी है एक महिला आरोपी खुशबू, डॉटर ऑफ राधेश्याम मिश्रा. इन लोगों ने मिलके इस तरह का साइबर क्राइम को अंजाम दिया. इन लोगों के पास से इनके अलग अलग बैंक अकाउंटों में 4,63,000 रुपये का रकम पुलिस ने फ्रीज करा दी है.